हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मथुरा की बड़ी खबर के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई आज होने जा रही है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण मामले में ही जन्मभूमि जो विवाद था उस मामले में आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुनवाई होगी और मथुरा कोर्ट परिषद में ही दो प्रकरण पर सुनवाई होगी। पहला अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुनवाई और इसके साथ ही दूसरा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश वर्मा द्वारा मीना मस्जिद पर सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें मथुरा से, जहां पर विवाद पर आज सुनवाई होने जा रही है। श्री कृष्ण विवाद पर ही आज सुनवाई होगी, इसको लेकर आपको बड़ी जानकारी दे दें। जहाँ पर विवाद जो मामला था, जन्मभूमि विवाद मामला श्री कृष्ण का, वहाँ पर आज सुनवाई होने जा रही है उसको लेकर, और विवाद मामले पर ही आज सुनवाई होगी। मथुरा कोर्ट परिषद में ही दो प्रकरण पर सुनवाई होगी और पहला अधिवक्ता बताया जा रहा है महेंद्र प्रताप सिंह के शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुनवाई है और दूसरा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा ही मीना मस्जिद पर यह सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलोर से खबर सामने आ रही है जहां पर बेंगलुरु में ही सट्टा लगाते 17 गिरफ्तार किए गए हैं। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको जानकारी दे दें, बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान ही 4.68 लाख रुपए बरामद भी कर लिए हैं और 17 मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो बेंगलुरु से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सट्टा लगाते हुए 17 लोग गिरफ्तार हैं और इसके साथ ही क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 18 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बेंगलुरु से, जहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि सट्टा लगाते हुए 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और वहीं क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ही 4.68 लाख रुपए भी बरामद कर लिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है बेंगलुरु से, 17 मोबाइल भी जब्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां पर बेंगलुरु में ही सट्टा लगाते 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट मैच पर भी सट्टा लगाया जा रहा था जिसमें 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार अभियान चला रही है जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान ही 4.68 लाख रुपए भी बरामद है वो किया गया है और इसके साथ ही 17 मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर सट्टेबाजों पर पुलिस का शिकंजा नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से खबर सामने आ रही है जहां पर फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें मुंबई से, जहाँ पर गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, कमल किशोर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है। कमल किशोर पर अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास करने का भी आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिसके बाद मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से, जहां पर पुलिस ने पहले आरोपी से पूछताछ की और लंबी पूछताछ चली और पूछताछ के बाद ही फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया और मुंबई पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद ये फैसला लिया, उनको गिरफ्तार किया गया है और कमल किशोर पर अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगा था। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया, ऐसा उन पर आरोप लगा था और मामला दर्ज किए जाने के बाद से ही पुलिस जो थी वो सतर्क नजर आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर एलईडी बल्ब से शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, एलईडी बल्ब से ही शॉर्ट सर्किट हुआ है और इसमें महिला की मौत बताई जा रही है। बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एक अपार्टमेंट में ही भीषण आग लग गई है और 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कथित तौर पर ही दम घुटने से मौत की खबर सामने आ रही है और पुलिस की टीम बचाव कार्य में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि वहीं एक दमकल की टीम भी आग बुझाने में जुट गई है। मृतक महिला की पहचान पुष्पा गुप्ता के रूप में की गई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जानकारी है कि एलईडी बल्ब से ही शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की मौत बताई जा रही है। तो आपको गुरुग्राम से खबर बता रहे हैं, जहां से बड़ी जानकारी सामने आ रही है एलईडी बल्ब से ही शॉर्ट सर्किट हुआ है और महिला की मौत हो गई है। गुरुग्राम में एक अपार्टमेंट में ही भीषण आग भी लग गई और 85 वर्षीय बुजुर्ग बताई जा रही है जिनकी मौत हुई है। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कथित तौर पर ही दम घुटने से मौत हो गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और पुलिस की टीम बचाव कार्य में फिलहाल अभी भी जुटी हुई है। वहीं एक दमकल की टीम भी आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रही है। मृतक महिला की पहचान पुष्पा गुप्ता के रूप में की गई है। आग लगने की वजह साफ तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर के ही सीईओ पराग अग्रवाल का इस्तीफा सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद इस्तीफे का दौर लगातार शुरू हो चुका है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी पराग अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, फाइनेंस चीफ नेड सेगल ने पहले इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर जानकारी है इस्तीफा दे दिया गया है ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल की तरफ से। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद ही इस्तीफे का दौर लगातार शुरू होता जा रहा है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी पराग अग्रवाल ने अब इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि फाइनेंस चीफ नेट सेगल ने पहले इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। पंजाब से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पंजाब पूर्व विधायक जोगिंदर पाल के यहाँ आईटी की रेड पड़ी है। बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से, जहाँ पर पूर्व विधायक जोगिंदर पाल के यहाँ आईटी की रेड की खबर सामने आई है। पंजाब में आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और आयकर विभाग ने जोगिंदर पाल के घर फार्म हाउस पर छापेमारी की है। और आपको बड़ी जानकारी दे दें, जोगिंदर पाल के कई नज़दीकियों के घरों में छापेमारी भी की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से, जहां पर आयकर विभाग की कार्रवाई सामने आ रही है, जहां पर छापेमारी की गई है पूर्व विधायक जोगिंदर पाल के यहां पर आईटी की रेड पड़ी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पंजाब में आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने जोगिंदर पाल के घर फार्म हाउस पर छापेमारी की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर छापेमारी की गई है पूर्व विधायक जोगिंदर पाल के यहाँ पर, और जोगिंदर पाल के कई नजदीकियों के घरों में भी छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पंजाब से। तो पंजाब में ही पूर्व विधायक जोगिंदर पाल के यहाँ आईटी की रेड पड़ी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पंजाब में आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर आयकर विभाग ने जोगिंदर पाल के घर फार्म हाउस में और इतना ही नहीं, नजदीकियों के उनके जो करीबी हैं उनके यहाँ भी छापेमारी की गई है। आईटी की रेड पड़ी है पूर्व विधायक जोगिंदर पाल के यहाँ, जो पंजाब के पूर्व विधायक हैं उनके यहाँ पर आईटी की रेड पड़ी है और करीबियों पर भी छापेमारी और निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।